हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं चंद्रकांत कोटेचा, आपका दोस्त। और आज फिर से एक बार लेकर आया हूं राग पहाड़ी की एक कहरवा धुन। आठ मात्रा के कहरवा ताल में धुन है। ओरिजिनली ये बंगाली भतियाली फोक धुन है। पहाड़ी, जैसे कि आप जानते हैं, फोक में से ही निपजित हुआ हुआ एक राग है, जिसमें फोक ट्यून ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जब बंगाल में मछुआरे अपनी नाव को खेते हुए जब मछली पकड़ने जाते हैं, तो धीमे से चप्पे का आवाज़ के साथ, पानी के आवाज़ के साथ, ये एक बहुत ही प्यारी सी भतियाली धुन है, जो अपनी बंसी भी बजाते हैं, कभी गाते भी हैं। तो बहुत ही एकदम प्रसन्नता से भरा हुआ माहौल बन जाता है। तो ये आठ मात्रा के कहरवा ताल में एक भतियाली बेंगोली फोक धुन है, जो कि राग पहाड़ी में है। इसको आज हम सीखेंगे। 80 BPM की स्पीड में हम इसको बजाएंगे कहरवा ताल में, बांसुरी में। पहले बजा के, ताल के साथ बजा के सुन लेते हैं, इसके बाद हम इसकी एक एक नोटेशन आपको समझाएंगे। तो लीजिए, पहले सुनते हैं बंगाली भतियाली फोक धुन, राग पहाड़ी, ताल कहरवा, स्पीड 80 BPM, 80 बीट्स पर मिनट। Thank you.
सुनी ताल कहरवा में एक भटियाली फोक धुन बंगाली धुन जो कि राग पहाड़ी में है। अब इसकी एक एक लाइन की नोटेशन देखते हैं कि एक एक लाइन कैसे जाती है। तो ये जो बंदिश है ये ऑफ बीट में, यानी कि सम के तुरंत बाद दूसरी बीट से उठती है। तो एक बीट जाने देने के बाद तुरंत दूसरी बीट से ये गरे रे सा सा रे ग ग प प प ध म ग ग रे रे म ग।
ये फिंगर की मूवमेंट और जो बज रहा है उसका साउंड, दोनों को देख के समझ के फिर बजाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप एग्जैक्ट नोटेशन में जो बोल रहा हूँ वो नोटेशन बजाने की कोशिश करेंगे, या तो आप, मैं अभी आपको पीडीएफ फाइल भी भेजूंगा इसकी, अगर आप इसकी नोटेशन की प्रिंटआउट निकाल के वो पढ़ के बजाएंगे तो एकदम फ्लैट बजेगा, ब्यूटीफुल नहीं लगेगा, मेलोडियस नहीं लगेगा, रंजकता वाला नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे हरकत डालनी है, किस तरह का साउंड अभी यहाँ से निकल रहा है, वो देख के सुन के समझ के फिर करना है। अभी देखते हैं अंतरा। ग प द सा 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 रे नी नी द प प नी द। ग प द सा 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 रे नी नी द प प नी द ध प प नी द। यहाँ सारे तीनों कोमल नहीं है। ग प द सा 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 रे नी नी द प प नी द ध प प नी ध। ग प द सा 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 सारे नी नी द प प नी द। अब इसमें जब अंतर की पहली हाफ लाइन है, इसमें थोड़ा वेरिएशन भी कैसे करते हैं। ग प द सा सा रे ग सा सारे नी नी ध प प नी ध। ग प द सा सा रे ग सा सा रे नी नी ध प प नी ध। दूसरी लाइन ग प नी 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 ध प नी ध प प। अब यहाँ पे पहले जो तीन नी है वो कोमल है और लास्ट वाला जो नी है वो शुद्ध नी है। देखिए ग प नी 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 ध प। अब शुद्ध नी नी ध प। ग प नी 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 ध प नी ध प। आगे ग प द सा सा प नी ध म ग रे रे म ग रे सा सा रे ग। अब यहाँ से वो स्थाई में जो लास्ट थ्री लाइन थी वो यहाँ ऐड हो जाती है। ग प द सा सा प नी ध म ग रे रे म ग रे सा सा रे ग रे म ग रे सा सा रे प ग रे म ग रे सा सा। अब मुखड़ा ग रे रे सा सा रे ग ग प प प ध म ग ग रे रे म ग प द द सा सा प द म ग रे रे म ग रे सा सा रे ग रे म ग रे सा सा रे प ग रे म ग रे सा सा। तो यह है भटियाली धुन।
कहरवा ताल में, बंगाली फोक है ये और राग है पहाड़ी। पहाड़ी राग में करने जैसी चार पांच चीजें मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ, सब आपको करनी चाहिए क्योंकि फ्लूट पे पहाड़ी बहुत ही अच्छा लगता है। और पहाड़ी राग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें क्या आरोह अवरोह है, क्या वादी समाधि है, ये सब मैंने मेरे पहाड़ी के पहले ही एपिसोड में यानी मॉर्निंग ट्यून का जो आलाप है उसके अंदर दे दिया है। तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देख लीजिए ताकि आपको पहाड़ी राग का जो बंधारण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो पूरी पता चल जाए। इसके बाद आप पहाड़ी के वन बाय वन में जितने भी ट्यूटोरियल्स देते जा रहा हूँ आप सबको कीजिए और हर एक लाइन को 50-50 बार बजा के कीजिए ताकि आपको बहुत ही पक्का हो जाएगा। पहाड़ी सच में बांसुरी में बजाने जैसा राग है। बांसुरी पहाड़ी के लिए ही बनी है और पहाड़ी राग बांसुरी के लिए ही बना है। बहुत ही स्वीट लगता है और ये जो पर्टिकुलरी बंदिश है मेडिटेशन के लिए अद्भुत है, अनमोल है। मैंने कई जगह लाइव परफॉर्मेंस देते हुए इसी ट्यून पे बहुत जगह पे लाइव मेडिटेशन करवाया है और बहुत सारे लोग को इसका मेडिटेशन हो ही जाता है। तो आप ये अवश्य कीजिएगा, आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। धैर्यपूर्वक हमारा ये ट्यूटोरियल देखने के लिए हम आपके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब राग पहाड़ी में ही एक फिल्मी गाना भी सुन लेते हैं। अभी तक जो मैंने चीज आपको सिखाई पहाड़ी में वो थी स्केल काली पांच में यानी ए शार्प में, बी फ्लैट में। अब ये गाना मैं आपको सुना रहा हूँ वो सी शार्प यानी काली एक में, सुनिए।